टॉप थ्री जिन्होंने कमेंट किया है विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ। तो वो जो दो सबसे नोन शॉप थी जो मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी कि चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ यू नो बेनिफिशियल हो सकता है, तो वहाँ पे ही सबसे ज्यादा महंगा, कभी एक नोट एक्स्ट्रा हो जाए तो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये ब्लॉग में मैं टॉप थ्री जिन्होंने कमेंट किया है विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ। तो तीन विनर होंगे इस ब्लॉग में। एक जो आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB जीतेगा, सेकेंड और थर्ड विनर जीतेंगे दो मिनी फोन। तो सबसे पहले मैं अपने लिए फोन लेने चली जाऊँ, बिकॉज ये फोन मेरा फिलहाल यूज करी, वो देने के बाद मेरे पास कोई फोन नहीं रहेगा। तो फिलहाल मैं 15 लेने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ देरा मार्केट में, बहुत बड़ा मोबाइल का मार्केट है, अराउंड 1000 से भी ऊपर वहाँ पे मोबाइल की शॉप है। तो वहाँ पर मैं जाती हूँ फोन लेने। चलो Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like you know I don't play right. I'll put up a good fight. सभी को पता है कि फोन के रेट्स एज कम्पेयर टू इंडिया दुबई में कम है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। 20 से 25 हजार कम है। तो मैं 15 लेने आई हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक शॉप में जाऊंगी मोबाइल लेने। तो देखते हैं कौन सी शॉप है वो, आ जाओ। मैं अराउंड 50 टू 60 शॉप्स में गई हूँ, फोन लेना फाइनल हो गया है। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे करना है कार्ड पेमेंट। वो बोल रहे हैं अगर आप कार्ड पेमेंट करोगे तो आपको 8% टैक्स देना है, और या तो फिर आप कैश दो। कैश मेरे पास है, बट अगर मैं दिरहम्स का सारा कैश दे दूंगी तो मेरे पास शॉर्टेज हो जाएगा। बात तो सही है। तो मैं कैश अवॉइड कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कार्ड ही दूँ। तो ये लड़का अपनी इधर गया ना? अरे अपनी इधर गई है। कौन ये पीछे पीछे आपके हमारे इंडिया का है, दुबई का नहीं है। ओके ओके, तो मैं फिगर आउट कर रही हूँ क्या करना है, लेट्स सी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि कोई ऑप्शन नहीं है, कैश देके ही मैं खरीद रही हूँ। तो चलते हैं शॉप पे। और एक और चीज, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, बताती हूँ क्या है। तो मैं वही प्राइस में आईफोन लेने आ गई हूँ, विच इज़ 4680 दिरहम्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सभी से शेयर करनी है, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता है तो मैं चाहती हूँ मैं आपको भी उस चीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि आपको वो चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले फ़ोन लेने के लिए मैंने पता है क्या किया, जो दो सबसे नोन, जो मतलब आप भी इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, और यू नो इतने इनका जो नाम है, मतलब मैं नाम किसी का रिवील नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज ठीक है सबका अपना अपना बिजनेस है, बट जो चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, यार ये इतना वायरल है, ये इतना फेमस है, शायद यहाँ से हमको यू नो कुछ फ़ायदा होगा, कम में मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, वो दो शॉप्स है, दे आर वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम, मैं नेम नहीं करूँगी फिर से। बट मैंने वहाँ पर कॉल करके पूछा, मैं पर्सनली गई नहीं, मैंने खाली कॉल करके पूछा, और सबसे ज़्यादा प्राइस मुझे वहाँ पर ही मिला एक जगह पर, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दे हैव एन नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड उनका प्राइस था 5100। मैंने तीन बार कंफर्म किया कितना है, दे सेड 5100, मतलब दैट इज द बेस्ट प्राइस, फाइनल प्राइस, लास्ट प्राइस, तो दे सेड यस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखाते कि उन्होंने इतना कम मिलेगा, बेस्ट प्राइस में मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, बट नो, मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर सेकेंड जो शॉप थी वहाँ पर भी मैंने कॉल करके पूछा, और दैट्स ऑल्सो अ नोन शॉप, वहाँ का प्राइस था 4800, वहाँ पर भी मैंने पूछा इज द लास्ट प्राइस, दे सेड यस। तो वो जो दो सबसे नोन शॉप थी जो मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी कि चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ यू नो बेनिफिशियल हो सकता है, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा महंगा। तो मैंने सोचा नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसा कानों सुनो और आंखों देखा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर अपना खुद का रिसर्च और प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो मैं पर्सनली 50 to 60 शॉप्स पे गई, और वहाँ पे सब जगह मैंने प्राइस देखा कि किसका कौन सा प्राइस है, क्या प्राइस है। तो सबसे कम प्राइस मुझे यही मिला है। तो यू नो कोई भी चीज़ अगर आप देखो ना, तो आप अपना खुद का रिसर्च करना, ताकि यू नो आपके साथ भी प्रॉब्लम ना हो या मिस्टेक ना हो, आपके ज़्यादा पैसे खरीद ना चले जाए, बिकॉज मैंने तो सेव किया ये चीज़ की वजह से रिसर्च करके। अगर मैं भी शायद ऐसी चली जाती, नहीं 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 मैंने देखा मैं यहीं से लूँगी, मैं रिसर्च नहीं करती, तो शायद मेरे भी ज़्यादा पैसे चले जाते, बट नहीं हुआ ऐसा। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो ये एक शॉपकीपर का फ़ोन है, और उन्होंने मुझे बताया उनके पास नेचुरल टाइटेनियम कलर है, तो ऐसा कुछ दिखता है। मेरे पास तीन कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यू नो कौन सा वाला लुक सिलेक्ट करने में इशू हो रहा है, तो आलू से मुझे दीदी आप एक काम कर सकते, जंबल अप करके फिर आग बंद करके जो भी आए आप वो ले लो। तो लेट्स बिगिन। ओके, कौन सा कलर है वो? 4680। आई नो ये 5 ही है, बट फिर भी एक बार और गिन लेती हूँ, नेवर नो कभी एक नोट एक्स्ट्रा हो जाए तो। You know I don't play right.
लेके, और अब मैं तीनों विनर अनाउंस करने वाली। उससे पहले मैं अपने फोन की अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। ये नया कलर है, आई गेस ये कलर 14 में नहीं था, तो सबसे पहले कल मुझे इस पे टेम्पर ग्लास और कवर लगाना है। तो ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए विनर की तरफ आते हैं। ओके, मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग में ये बोलूंगी, बट आईफोन ओपन करते करते भी मेरे को इतना एक्साइटमेंट नहीं था, बिकॉज जो 11 प्रो मैक्स है वो मैं कहीं पर तो भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे लास्ट जो फोन से मैंने खरीदा है फोन वहां पे था मेरे पास, उसके बाद मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके बाद मैं एक फ्रेंड के घर पे गई थी, और उसके बाद वो फ्रेंड के घर के नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ पे गई थी, तो फ्रेंड के घर पे तो नहीं है, और रेस्टोरेंट में भी पूछा वहाँ पे भी नहीं है। तो जहाँ से फ़ोन लिया अभी 3 बज रहे हैं यहाँ पर रात के, तो वहाँ पे मुझे कल कॉल, अभी मैं कॉल कर रही हूँ, मेरे नंबर पे चालू है, मेरा नंबर बंद नहीं है, रिंगिंग जा रही है, बट शायद अगर वो शॉप पे है तो सब घर पे चले गए होंगे, मुझे सुबह ही पता चलेगा, बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ छोड़ दिया। और जो विनर्स के नेम है सारे मेरे मेल पे है, सब कुछ है, तो 11 बजे व्लॉग तो मुझे पोस्ट करना ही है, अभी पता नहीं कितने बजे आ पाएगा वो, सुबह जब आएगा तभी आप व्लॉग देख रहे हो तो पता चलेगा। कल रात को हम दोनों इतने अपसेट थे कि मेरा फोन नहीं था, और सच बोलो ये वाला टेक मैं डाल रही हूँ, बट अगर नहीं मिलता मेरा फोन, अगर गुम जाता तो शायद मैं ये वाला टेक नहीं डालती, बट मैं कुछ ना कुछ अरेंज करके मैं जो बोला है वो गिव अवे जरूर करती, बट लकीली मेरा फोन मिल गया है। सुबह सुबह मुझे कॉल आया कि मतलब जो नंबर से मैंने कॉल किया था, कॉल आया कि आपका फोन रह गया यहाँ पे, मतलब यस यस मेरा ही फोन है, तो बोले हमने आपको मेल भी डाला था कल रात को, मतलब मेरा मेल सब वही फोन में, मैं कैसे रिसीव करती, बोलता नहीं आपके यहाँ पर ही रह गया, मतलब ठीक है मैं आती हूँ लेना, तो मैं अभी जो शॉप से मैंने 15 लिया है वो शॉप पे मैं फोन लेने जा रही हूँ मेरा। आप आई खुशी चेहरे पे, क्योंकि तो मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा होगा कि मैं अगले दिन सुबह में करी, और एक दिन पहले मैं बोलूंगी कि मेरा फोन कहीं रह गया है, गुम गया है, तो बिलीव करना इम्पॉसिबल होता, बट सच में मैं इतनी केयरलेस हो गई थी कि मेरा फोन सच में रह गया था, बट मिल गया है। I'm gonna get back when I feel like सो फाइनली मैं अभी विनर्स अनाउंस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो वेबसाइट मैंने बताया था वो वेबसाइट के थ्रू मैंने बिल्कुल भी कमेंट्स काउंट नहीं किए, बिकॉज उस पर एक्यूरेट नहीं बता रहा था। मेरे जितने पहचान के लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए, उन्होंने भी बोला कि एक्यूरेट नहीं बता रहे, तो वेबसाइट के थ्रू मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। मतलब पहले तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा काम आसान हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो वेबसाइट के थ्रू नहीं किया है मैंने। पर्सनली यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब स्टूडियो पे जाके एक एक कमेंट्स करे हैं, तो विनर्स अनाउंस करती हूँ। पहले थर्ड रनर अप अनाउंस करती हूँ। थर्ड रनर अप इज नजफ खान _786, ओके, जिन्होंने अराउंड 5000 के ऊपर कमेंट्स किए हैं। सेकंड रनर अप इज सुनीता _126, इन्होंने अराउंड 6000 के ऊपर कमेंट्स किए, 6200 के ऊपर कमेंट्स किए। एंड द विनर इज अपना दिल थाम के रखिए, इतने सारे कमेंट्स, मतलब ट्रस्ट मी मैं 4 दिन सिर्फ कमेंट्स के पीछे ही लगी हुई थी, इतने सारे कमेंट्स इन्होंने किए, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली मतलब गिन रही थी कि नहीं नहीं एक भी कमेंट ऊपर नीचे नहीं होना, बिकॉज नाइंसाफी नहीं होनी है किसी के साथ भी। तो द विनर इज 3-1 के काउंट में मैं विनर अनाउंस कर रही हूँ। 3-2-1 द विनर इज के कशन हसनैन 531। इन्होंने, आप गेस करो, मैं आपको 5 सेकेंड दे रही, सिर्फ गेस करो कितने कॉमेंट्स किए। ओके, इन्होंने अराउंड 14,739 कमेंट्स किए, इनका मैंने एक एक कमेंट काउंट किया, बिकॉज ये विनर थे तो यू नो कोई भी नाइंसाफी नहीं होनी, बाकी मैंने एक अराउंड अप्रॉक्स काउंट किए थे किसने कितने किए, बट इन्होंने 14,739 कमेंट्स किए, मेरी तो हालत हो गई पढ़ते पढ़ते, एंड ये विनर है। बट फिर भी मैं आपको और 6 लोगों का नाम बताऊंगी जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे गिव अवे करने वाली, बट ऐसा मैं कभी भी कोई भी व्लॉग में नहीं बोलूंगी कि मैक्सिमम कमेंट्स करने वाले को नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं, बिकॉज इसमें मुझे भी बहुत हेडेक हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम, बट कोई नहीं, पहली बार था, एक्सपीरियंस था, हो गया। तो और 6 लोगों का मैं नाम बताती हूं जिन्होंने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए। एक है जिया देवनाथ 1810, एक है क्रेजी SAR 2005, एक है इट्स जोयू _क्वीन, एक है मरियम खाम _VE5EC, एंड एक है आयशा 1958।
तो ये 6 लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, बट टॉप 3 की लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है। मे बी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गिव अवे में कुछ ना कुछ में आप ज़रूर जीतोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप आपने इन्जॉय किया हो ये वीडियो देखना। ऑल्सो मैं एक वीक के अंदर एक 2 से 4 मिनट का व्लॉग और डालूंगी जहाँ पे इनको फ़ोन पहुँच गया और ये अपने पास ही रिकॉर्ड करके भेज रहे कि इनको फ़ोन मिल गया है। तो यस, एक वीक में वो भी फ़ोन डाल दूंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जो जीते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।